क्लास बटरूम बैग वगैरह बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा हमने ना इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट पढ़ लिया था कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन रूरल क्रेडिट में सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो कुछ आखिरी बात पढ़नी है और फिर बेटा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग। पढ़ते हैं बेटा, ये टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे बेटा, रूरल बैंकिंग अ क्रेडिट अपरेजल पढ़ना चाहते हैं। रूरल बैंकिंग पर हम एनालिसिस कर रहे हैं जितना हमने पढ़ा। देखो रूरल बैंकिंग में कहीं ना कहीं अब इंस्टीट्यूशनल फॉर्म तो बहुत ज्यादा आ चुकी है, मनी लेंडर लैंडलॉर्ड्स थोड़ा सा तो उनका इन्फ्लुएंस कम हुआ है, इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंस कर रहे हैं। बट बेटा दो प्रॉब्लम आज भी लगती है। एक सबसे बड़ा परेशानी, थोड़ा सा एनसीईआरटी ने उसका हिंट भी दिया कि पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा है कि आज भी बेटा बैंक्स ढंग से एग्रीकल्चर इससे रिकवरी नहीं कर पाते लोन की। आपने भी सुना, मैंने भी सुना, इंडिया में भाई अभी लगभग 62% पॉपुलेशन, 50% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रह गया। जो लोग रूरल एरिया में रह रहा है वो आप समझ सकते हो बाय डिफॉल्ट एग्रीकल्चर में है ना। इस दम पर इलेक्शन जीत लिए जाते हैं कि हम किसानों का इतना कर्जा माफ करें। अब ये समझो बैंक तो फिर घाटे में गया ना, आपकी सरकार आई, आपने बैंक को मजबूर किया, इनको छोड़ दो, इनका इतना लोन छोड़ दो, बैंक तो लॉसेस में जाना शुरू हो गया आपकी गलतियों की वजह से। तो ये मानते हो बेटा कि पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा है कि आप मजबूर नहीं कर पाते कि किसानों से रिकवरी हो जाए लोन की, मानते हो। दूसरी परेशानी जिसका जिक्र एनसीईआरटी नहीं करती, बेटा इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट लेना है तो ज्यादातर केस में आपको कलेक्टरल चाहिए, कोई ना कोई सिक्योरिटी तो गिरवी रखनी पड़ेगी और वही नहीं होती एग्रीकल्चरिस्ट के पास। अब वो गिरवी रखने के लिए है नहीं कुछ तो लोन होता नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है, ठीक है ना। बैंक क्या करते हैं, लाख 2 लाख 3 लाख का तो लोन कर देंगे विदाउट एनी कोलेटरल, लेकिन जब अमाउंट आएगी 5 लाख 7 लाख 10 लाख 15 लाख इसके बियॉन्ड बैंक को कोई मतलब नहीं, बैंक को कोलेटरल चाहिए और कोलेटरल है नहीं ज्यादातर लोगों के पास। तो जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है जिनकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है वो लेफ्ट आउट हो जाते हैं, उस दायरे से बाहर जाते हैं, उनको फिर दरवाजा खड़काना पड़ता है मनी लेंडर और लैंडलॉर्ड का। तो ये एक परेशानी अभी भी चल रही है, दो परेशानी चल रही है मैंने डिस्कस की, ठीक है जी। आजकल पेपर में शॉर्ट नोट आने लगा है जनधन योजना पर, उसके बारे में बेटा यहाँ से पढ़ना। इन द रिसेंट ईयर, इन द रिसेंट ईयर लगभग सेम लैंग्वेज में लिख पाऊंगा इतना सा जितना लिखा हुआ है, लगभग सेम, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आई सारी बात। कुछ पूछना तो बताओ, चंदन योजना में पता है 0 बैलेंस पर अकाउंट खोलता है, कोई मिनिमम बैलेंस ही नहीं है, ठीक है आगे बढ़ जाए। अब वो मैंने आपको कहा था जब चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था कि कुछ एरियाज रूरल डेवलपमेंट में पीछे छूट गए हैं और उनको फ्रेश इनिशिएटिव की जरूरत है। लिखे तो एनसीईआरटी में बहुत सारे थे पर मैंने आपको कहा था मेनली चैप्टर दो चीजों पे चलेगा, एक रूरल क्रेडिट पर और एक रूरल मार्केटिंग पर, मतलब एग्रीकल्चर मार्केटिंग पर। तो एक टॉपिक हमारे यहाँ खत्म हो गया, चैप्टर का एक हिस्सा खत्म हो गया, दूसरा हिस्सा में शुरू करें, ठीक है। चलो जी पढ़ना शुरू करते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। इसमें पढ़ने वाला टास्क भी बहुत कम है, एक बार यहां तक पढ़ना सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ तक, फर्स्ट पैराग्राफ तक। अभी मैं हमेशा बोलता हूँ एनसीईआरटी में होता सब कुछ है बस सिस्टमेटिक कुछ नहीं होता। डेफिनेशन तो सही लिखी, बताया भी ठीक, पर अगेन सिस्टम सही बताया। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या समझते हो आप मार्केटिंग क्या होता है?
बिजनेस स्टडीज में भी आपने मार्केटिंग टर्म सुनी। हाँ, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा तो फर्क होगा। फिलहाल मैं यहाँ बात भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग के कर रहा हूँ, एक स्पेसिफिक एरिया की। भाई देखो, ज्यादातर लोग सोचते हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए आप जो कोशिश कर रहे हो ना वो मार्केटिंग है। ऐसा नहीं होता। मार्केटिंग क्या होता है बेटा, मार्केटिंग में वो सारी एक्टिविटी आ जाएगी जो क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद स्टार्ट हुई और जब तक प्रोडक्ट बिका नहीं तब तक की सारी एक्टिविटी। देखना, आज आपके खेतों में क्रॉप बिल्कुल रेडी है, आज आपने काटना शुरू कर दिया, यहां से लेकर प्रोडक्ट जब तक बिक नहीं जाएगा तब तक की सारी एक्टिविटी मार्केटिंग है। अब आपको लग रहा होगा क्या ही आ जाएगा इसके बीच में, बेटा बहुत कुछ जो आप सोच भी नहीं पा रहे। सबसे पहले गैदरिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग, गैदर करो अपनी प्रोड्यूस को हार्वेस्टिंग के बाद। सेकंड वन इज प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस। मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, इसने तो क्या करा, एक स्टेप कहाँ लिख लिया, एक कहाँ लिख लिया, मैं वो वाली बात ही नहीं करूंगा। गैदरिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग, देन प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेसिंग? सेपरेटिंग स्ट्रॉ फ्रॉम द ग्रेन्स। बेटा वो जो भूसा होता है उसको अलग कर दो ग्रेन से, हो गया। देन बाबू ग्रेडिंग द प्रोड्यूस। आपको पता है ना एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज है जिसमें ग्रेडिंग सबसे ज्यादा होती है। ये आलू 100 रुपए किलो, ये 60 रुपए किलो, है ना। ये बैनाना छोटे साइज के ये 60 रुपए दर्जन, और ये बड़े साइज के ये 80 रुपए दर्जन। मौसमी इसमें दाग लगा हुआ, ये इतने रुपए किलो, ये बिल्कुल साफ है इतने किलो। एप्पल ये छोटे थोड़े से दागे इतने रुपए किलो, ये ठीक साइज के इतने रुपए किलो। कैश्यू नट ये टुकड़ा, ये बड़ा साबुत इतने। मानते हो एग्रीकल्चर से ज्यादा ग्रेडिंग तो किसी चीज में नहीं होती, ठीक है ना। तो भाई सबसे पहले गैदर द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग, देन प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस, दैट मीन सेपरेटिंग स्ट्रॉ फ्रॉम ग्रेन। थर्ड वन इज ग्रेडिंग द प्रोड्यूस। ग्रेडिंग हो गई, देन पैकेजिंग द प्रोड्यूस। अब अलग अलग ग्रेड में हो गया, अब पैकेजिंग कर लो। इसकी भी 100 किलो की बोरी, इसकी भी, या 50 किलो की बोरी, 50 किलो की, इसके अलग रेट पे बिकेगी, इसके अलग रेट पे बिकेगी। पैकेजिंग हो गई, देन स्टोरिंग द प्रोड्यूस। भाई जरूरी थोड़ी है सारा आज ही बिक जाएगा, स्टोर करो तब तक जब तक नहीं बिक रहा। देन सेलिंग द प्रोड्यूस व्हेन द प्राइसेस लुक रिटेल। वैसे एक बात बोल दो, इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आ सकता है। मैंने 7-8 बातें बता दी, लेकिन मैंने बिल्कुल सीक्वेंस से बताई कि किसके बाद क्या नंबर है का, ठीक है। बोलता है एनसीईआरटी लगभग सब कुछ है, पर वही है ना, फिर वो सस्पेंस से नहीं बोलता तो फिर फायदा क्या बोलता। 6 6 बातें समझ में जो मैंने बोली, सीक्वेंस से आगे बढ़ाओ जी। बाबू अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग में समस्याएं क्या क्या थी या है, और कैसे गवर्नमेंट उनके साथ कोप अप करेगी, ठीक है जी। अब शायद बेटा 1 से 1.5 पैराग्राफ है सिर्फ, ठीक है, लेकिन पढ़ना तरीके से ताकि मैं पूछूं तो बताने वाले भी, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। बस थोड़ा सा पोर्शन और बचता, पीडीएस तक पढ़ देना, बस पीडीएस तक, बाकी मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और उसके बाद का भी नहीं चाहिए। यहां से लेकर पीडीएस तक पढ़ दो। अब इसने 4 मेजर का डिस्कशन किया, मैं भी चारों ही समझाऊंगा। बेटा सबसे पहले बात इसने करी रेगुलेटेड मार्केट की। हम हेडिंग डालेंगे रेगुलेटेड मार्केट। क्या होती है रेगुलेटेड मार्केट? वेयर परचेज एंड सेल ऑफ क्रॉप इज रेगुलेटेड बाय द मार्केट कमेटी। वो जहां परचेज और सेल रेगुलेट करेगी मार्केट कमेटी। क्या होती है मार्केट कमेटी? वो मार्केट कमेटी में ना गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, फार्मर्स और ट्रेडर के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, वो सारी परचेज सेल पर रेगुलेशन लगा कर रखते हैं, ठीक है। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, आपके शहर में भी है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको। आपने कभी सुना है मंडी समिति? समिति का नाम सुना, मंडी समिति का नहीं। वो जैसे हमारे शहर में दो बड़ी बड़ी मंडियां हैं, एक तो अपना कुमरान पुल के पास हो गई है, दाल मंडी पुल के पास वाली,
और एक मंडी वो कि बेटा जो चिल्कान अड्डे के पास है, चिल्कान अड्डे वही तो मेन अंदर आप जाके देखो तो आप हैरान हो जाओगे, भैया कितना सामान बिक रहा है, कितनी दुकान भी और कितने कितने लोग बैठे हुए हैं। आपको पता है इन सब के ऊपर कौन बैठता है? मंडी समिति बैठती है। समिति का मतलब कुछ नहीं होता बेटा, अगर इंग्लिश में बोलो तो इसको आप कमेटी बोल सकते हो, जिसको मैं मार्केट कमेटी बोल रहा हूँ, वही मंडी समिति है। मंडी समिति क्या करती है, अंदर जितना भी परचेज सेल हो रहा है उसको रेगुलेट करने की कोशिश करती है। और इनको आइडिया होता है रेगुलेट कैसे होता है, मैं तुम्हें थोड़ा सा बात ये भी समझा देता हूँ। जैसे कोई किसी ने आज एक गाड़ी बेची, गाड़ी निकलने से पहले ना वो कहते हैं लो मंडी समिति शुल्क लाओ, मतलब हमारे थोड़े चार्जेस लो। वो नॉमिनल चार्जेस होते हैं, वो इतने चार्जेस होते हैं कि उन कमेटी का खर्चा निकलता है। जो कमेटी बैठी है, इतने लोग आकर बैठे हुए हैं, उनका खर्चा निकलता है। और आप समझ सकते हो कितनी गाड़ियां दिन में बिकती होंगी, तो उनका खर्चा तो बड़ा आराम से निकल जाएगा। तो इसी बहाने परचेज सेल भी रेगुलेट होती रहती है, उनको आइडिया रहता है आज कितनी गाड़ियां बिक रही हैं, क्या हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इन्होंने सिस्टम को, मार्केट के सिस्टम को भी ट्रांसपेरेंट बनाया। क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा इससे पहले पैराग्राफ, तो उसमें यही लिखा था फॉल्स वेट का यूज करके धोखा दिया जाता था पुराने टाइम में फार्मर्स को, और आज भी कई लोग कर लेते हैं बेटा। आपने देखा होगा गली मोहल्ले में, आपने जी मेरे पास 500 ग्राम का तो है नहीं, मेरे से तो खो गया था 500 ग्राम का वेट, मैंने ये पत्थर रखा क्या 500 ग्राम है, आप तो लो। अब क्या किसको बता किसके पास कितना टाइम, ठीक है भाई अब अच्छा 490 निकले चाहे 480 निकले, कुछ तो लूट हो ही रही है उसके नाम पर, फॉल्स वेट के नाम पर लूट थी। तो बेटा मार्केट कमेटी ने क्या करा, सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश करी, प्रॉपर स्केल और वेट का यूज कराना शुरू कर दिया। तीसरी बात बेटा, आज भी इंडिया में ये चैलेंज है, कहता है ऐसी 27,000 रूरल पीरियोडिक मार्केट चाहिए, अगर आपने फुल पोटेंशियल रियलाइज करना है रूरल मार्केट का, तो 27,000 ऐसी मार्केट और चाहिए या मार्केट कमेटी बैठी और रेगुलेट कर सब कुछ, वरना आधी जगह आज भी यही काम हो, धोखा और फॉल्स वेट सब चल ही रहा है। ठीक है, उसके बाद बेटा एक बात आती है, मैं हेडिंग बनाऊंगा उसकी, प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां से भी कुछ बात बोलूंगा, यहां से भी कुछ बात बोलूंगा बेटा। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, रेलवेज, रोडवेज, स्टोरेज फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग, गोडाउन, ब्ला 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 ब्ला। पहले रेलवेज और रोडवेज की बात करते हैं। ऐसा क्यों कहा गया कि इनको डेवलप कर, वो इनको डेवलप करोगे तभी तो एक फार्मर, एक किसान वहां पर प्रोडक्ट बेच पाएगा जहां उसको उसकी क्रॉप का दाम लुक्रेटिव लग रहा हो। अगर आप ये सब फैसिलिटी नहीं दोगे, जस्ट गांव में वो क्रॉप हुई उसकी मजबूरी हो जाती है वहां पर बेच देना उसको, है ना। और होता क्या, जनरली मिडल मैन ही खरीदते हैं, जो होते हैं ना लोग रजवाड़े रईस लोग, वो समझ रखते हैं मार्केट की। बाहर कॉल लगाई, हाँ भाई क्या रेट चल रहा है, अच्छा तुम्हारे यहाँ यार रेट चल रहा है, पढ़े लिखे भी लोग होते हैं वो। अब वो किसान ना पढ़ा लिखा ना कुछ ना उसको समझ, ठीक है जी, उससे सस्ते दाम पे क्रॉप छुड़वा ली, छोटे छोटे किसानों से इकट्ठा करा, उसको बाहर बेच दिया उन्होंने। तो कहते हैं रोडवेज और रेलवेज की फैसिलिटी दो ताकि फार्मर उस प्लेस पे प्रोड्यूस को बेच पाए या उसको लिक्रेटिव दाम मिल रहा है उसके प्रोड्यूस का। साथ ही साथ कहते हैं कोल्ड स्टोरेज की, स्टोरेज फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग, गोडाउन, ऐसी फैसिलिटी भी दो फार्मर को ताकि वो तब प्रोड्यूस को बेचे जब उसको लिक्रेटिव दाम मिले। ये नहीं बेटा है ना रश की अभी बेचो, अभी हमने क्रॉप काटी है अभी बेचनी है। ज्यादातर किसानों के पास क्या स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, तो रश में बेचते हैं, जैसे क्रॉप काटी फटाफट से बेचनी, जो दाम मिला बस उस पर बेचनी। बेटा अगर उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी होगी तो वो क्रॉप को तब बेचेंगे जब उनको दाम लुक्रेटिव लग रहा होगा, जल्दबाजी में बेचने की जरूरत नहीं है ना। तीसरी बात, आज भी एक चैलेंज बना हुआ है यार, इंडिया की 10% क्रॉप का वेस्ट होना इज टू मच। स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है लोगों के पास प्रॉपर। सर मतलब आप भी देखते होगे ऐसा, मैं तो डेली बेसिस पे देखता हूँ। एक पर्टिकुलर दुकान है जहां से हम सब्जी लेते हैं, तो जानते हैं काली जी को। तो भाई हालात ये हैं कि सुबह उठो तो भाई साहब कोई भी सब्जी वाला हो, सब्जियों की छटनी कर रहा होता है, यही कर रहा होता है, सुबह उठते ही नहीं हमें, आए दुकान पर, ओहो ये मेथी सड़ गई या ये पालक सड़ गई, चलो भाई गाय के आके सब
अच्छा टमाटर देखे एक रात में, आधे पीले पड़ गए आधे दब गए, चल भाई ये सड़कों पे। एक्चुअली ये तो 10% निकले, मुझे तो 20% का ही डाउट होता है। इंडिया जैसे देश की, चलो 10 ही% रख लो, 10% क्रॉप का वेस्ट होना ऑन डेली बेसिस, 10% क्रॉप कितना बैठता है, आपको क्या लगता होगा कितने अरब करोड़ रुपए बैठते होंगे? सर ये इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो सड़कों पे रोज खिंडता है। चैलेंज तो है यार, एक छोटा सा वेजिटेबल सेलर या एक फार्मर कितने को कोल्ड स्टोरेज मेंटेन कर लेगा, कितने को फ्रिज खरीद लेगा, आप खुद बताओ कितने फ्रिज खरीद सकता है एक आदमी जिसकी कॉस्ट लाख लाख रुपए, बड़े बड़े फ्रिज की कॉस्ट कितने खरीद सकता है यार, एक दो खरीद सकता है, उसकी दुकान में बहुत सब्जी है, कुछ तो सड़े, तो ये एक परेशानी तो है ही। समझ में आ रही है बात? दोनों बातें, जो दो बातें मुझे समझ में आई, रेगुलेशन ऑफ मार्केट और प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। देन बेटा एक बात आती है कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी की, शायद यहीं कहीं बात आई थी बेटा, यहाँ पर आई थी मिल्क कोऑपरेटिव की भी बात कर। बेटा गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है आपको कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज आप सेटअप करें। क्यों कोऑपरेटिव सोसाइटी? मेरा ख्याल सब समझते हैं, कुछ दिन पहले भी टर्म आई थी तब भी मैंने समझाने की कोशिश करी थी, यहाँ कम से कम 10 लोगों को जिसका एम म्यूचुअल वेलफेयर ऑफ मेंबर हो उसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। अब क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वो लोन के लिए काम करती है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब समझ गए होंगे इसका मतलब किस लिए काम करेगी। देखो अगर कोई फार्मर मेंबर बन जाता है एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी का तो बेटा अपने आप को बेटर बार्गेनर फील करता है। आप छोटे से किसान हो भाई, आपके पास छोटे से प्रोड्यूस हो, बेचने के लिए क्या बार्गेन कर पाओगे? छोटी सी तो प्रोड्यूस एक छोटे से गांव में हो यार, बार्गेन ही नहीं कर पाता फार्मर। और मैं कहूँ अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर मिल जाओ बन जाओ, जहाँ 1,000 आप जैसे किसान हो तो अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास बहुत बड़ी फसल है, बहुत बड़ी क्रॉप है, अब बेटा आप बेटर बार्गेनर बन सकते हो बेचने के लिए, अब बार्गेन कर सकते हो, बहस हो सकती है, वरना बहस ही नहीं हो सकती। समझ में आ रही बात? तो बेटा गवर्नमेंट ने एनकरेज करा कि आप कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज बनाओ, ठीक है ना? ये गवर्नमेंट ना थोड़ा सा मोटिवेट भी हुई जब से बेटा मिल्क कोऑपरेटिव को बहुत सक्सेस मिली। मुझे नहीं पता आप इस बारे में जानते हो कि नहीं, मैं पढ़वाऊंगा, इस चैप्टर में आएगा। अमूल क्या है आपको पता है ना? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो गुजरात से बनी है, इसने मेंशन नहीं किया बस अमूल का नाम नहीं लिखा, जिसको बहुत बड़ी सक्सेस मिली। क्या किया वहां पर बेटा? ऐसे ही जैसे नॉर्मल हर स्टेट में बहुत सारे फार्मर हैं, गुजरात में भी बहुत सारे फार्मर हैं, और जैसे सारे फार्मर लगभग कैटल मेंटेन करते हैं वहां पर भी करते हैं, गाय मेंटेन करते हैं, उन्होंने क्या किया बेटा सारे के सारे फार्मर्स ने अपना मिल्क पूल करना शुरू कर दिया, एक जगह इकट्ठा करते, वो पैस्चराइजेशन का प्रोसेस करते, पैक करते, बेचने लगे, और आज बेटा वो अमूल कितना बड़ा सक्सेस हासिल कर चुका है। तो उसकी सक्सेस के बाद गवर्नमेंट ने और एनकरेज करा कि आप एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी सेटअप करो, ये बहुत बड़ा सक्सेस मिल सकता है इसमें, ठीक है? और लास्ट नंबर पर आते हैं कुछ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जिसमें फर्दर 3 बातें आती हैं, आपने पढ़ा होगा, एक तो पढ़ा होगा एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सबको पता है क्या होता है एमएसपी? बाबू यू आर फ्री टू सेल योर प्रोड्यूस अबव एमएसपी, कोई नहीं रोक रहा। गवर्नमेंट ने किसी क्रॉप का एमएसपी दे दिया, लेट्स सपोज वीट का कह दिया 12 रुपए किलो, कि अगर 12 रुपए किलो से कम वीट कहीं बिक्री हो तो मुझे आगे बेचिए 12 रुपए किलो में जितनी भी सरप्लस प्रोड्यूस है तेरे पास, लेकिन अगर मार्केट प्राइस एमएसपी से ज्यादा है तो ऑब्वियसली वहीं बेचो, मार्केट में 15 रुपए किलो बिक रहा है या 20 रुपए किलो बिक रहा है आप बेचे दो, आपको लगे कि मार्केट प्राइस फॉल्स बिलो द एमएसपी तो एमएसपी पे सरकार को बेचे, यानी कि एमएसपी इज काइंड ऑफ एश्योरेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू यू, ठीक है जी? तो गवर्नमेंट तो अच्छा काम कर रही है एमएसपी देकर। इसके अलावा बेटा दो और बातें भी हैं, एक आपने पढ़ा होगा मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक ऑफ वीट एंड राइस बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो हमारे सहारनपुर में भी गोडाउन है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, ठीक है ना बेटा?
सरकार क्या करती है, मतलब फूड कॉरपोरेशन एक सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी संस्था ही है। सरकार क्या करती है, बाय करती है वीट और राइस हर साल ह्यूज क्वांटिटी में और स्टोर करा के रखती है बेटा। तो वो ऐसा क्यों करती है सरकार? सर कहीं ना कहीं नेचुरल कैलामिटी का डर तो रहता ही है, हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, कहीं ना कुछ हुआ ही रहता है। हिमाचल पूरा त्रासदी सही है इस पूरे साल उसमें, है ना? तो बाबू अगर कहीं गवर्नमेंट को लग रहा है कि यहाँ पर त्रासदी हो गई है, नेचुरल कैलामिटी बहुत ज्यादा हो गई है, तो सरकार क्या करती है, फूड कॉरपोरेशन के थ्रू ही सप्लाई कर देती है वीट और राइस फ्री में, ठीक है नहीं? लेकिन किसानों का तो बिक गया अगर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने खरीदा तो, ठीक है। तीसरी बात, हम डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, सरकार डिस्ट्रीब्यूट करा रही है फूड ग्रेन्स थ्रू पीडीएस। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सिंपल भाषा में बोलो तो राशन शॉप, पता ही है सबको। बाबू 2-2 रुपए किलो में हम चावल बेच देते हैं, 1-1 रुपए किलो में हम गेहूँ बेच देते हैं। एक्चुअल दाम तो जिस दाम पे सरकार ने खरीदा है वो 12-15 रुपए किलो होता है। तो सरकार यार किसानों का तो क्रॉप पूरे ही खरीद लेती है, जितनी किसान कह देंगे उतनी क्रॉप सरकार खरीद लेती है एमएसपी पे, बाद में पीडीएस के थ्रू बिकवा देगी या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उसको बफर स्टॉक बनाकर रखेगी, ठीक है। तो अभी कुछ चैलेंज बाकी हैं, कुछ चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं अभी भी, समझ आ गई होगी सब सारी बात। कर लिखना शुरू करें, ठीक है। ऑलमोस्ट टॉपिक डन हो गए यहाँ, इसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, यानी कि चैप्टर के जो दो इंपॉर्टेंट हिस्से हैं वो हम खत्म कर चुके होंगे, इसके बाद एक लास्ट हिस्सा बचेगा, ठीक है जी। चलो जी लिखना शुरू करते हैं, थोड़ा सा पोर्शन ही लिख पाएंगे।
इतना नोट डाउन कर लो, लगता है आज का।